जय हिंद गाइस। आज हम बात करेंगे एज अ स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें हाई कोर्ट में एक बहुत बेस्ट वैकेंसीज आई है एज अ स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री के लिए। ओके गाइस, तो आप ग्रेड थ्री के लिए मतलब इसमें जो भी है आपके पास स्किल टेस्ट, जो टाइपिंग जो स्पीड रहने वाला है स्किल का, वो कम रहने वाला है क्योंकि ग्रेड थ्री की है। ओके गाइस, सर इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट से जो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हाई कोर्ट की वैकेंसीज है और नंबर ऑफ पोस्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे 1186 वैकेंसीज यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे इतनी पोस्ट वैकेंट है। और इसमें जो भी एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया बहुत अच्छा है, 18 to 45 एज लिमिट रखा है, लास्ट एज 45 है। ओके गाइस, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके फुल इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, हम सारे के सारे पॉइंट इसके चेक करेंगे कि इसमें और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन कैसे रहने वाला, एग्जाम सेंटर क्या है, क्या नहीं, स्किल टेस्ट कैसे होगा, कौन सी लैंग्वेज में आपको स्टेनोग्राफी लिखना है, वगैरह वगैरह हम यहाँ पे सब कुछ चेक करेंगे। ओके गाइस, जो भी नए कैंडिडेट होंगे उनको लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के लिए विनंती है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेड थ्री की पोस्ट है। ओके, ग्रेड थ्री की पोस्ट है आपके लिए, 1186 आपकी पोस्ट रहेगी। उसमें एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर और हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज है, जिसमें हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, हिंदी के लिए 881 सीट अवेलेबल है। और जहाँ पे इंग्लिश के लिए आप चेक कर सकते हो कि भाई 305 वैकेंसीज है। ओके गाइस, बहुत अच्छी यहाँ पे वैकेंसीज आई है, सबको अप्लाई करना है। हम स्टार्टिंग से सब कुछ चेक करेंगे तो आपको एंड तक बनाए रखना है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी ऑफ अलाहाबाद, ओके अलाहाबाद से वैकेंसीज आई है। आप यहाँ पे भी एक लोगो देख सकते हो हाई कोर्ट का, अलाहाबाद का है, जहाँ पे यूपी में आता है, बराबर अलाहाबाद आपको तो पता ही होगा। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे और पढ़ सकते हो भाई, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड थ्री के लिए, और इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सारा इंस्ट्रक्शंस हम जानेंगे, आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ओके गाइस, तो ये जो वैकेंसीज है ये तो द उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट, एक मिनट ना गाइस, तो ये जो वैकेंसीज है ये उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ के लिए, बराबर मतलब आप जो भी है यूपी के जो हाई कोर्ट है तो वहाँ पे वैकेंसीज आई है। और सेंट्रलाइज रिक्वायरमेंट 2022 to 2023। ओके गाइस, अभी जो भी हम जानेंगे वो बहुत ज़रूरी है। इसमें आप जान सकते हो कि जो भी लास्ट डेट है इसका, लास्ट डेट क्या रहने वाला है, स्टार्टिंग डेट क्या है। देखो आप यहाँ पे शो कर सकते हो, देखो 30 अक्टूबर। ओके, मीन्स आज से ही इसका जो भी है, जो भी अप्लाई करने का जो पीरियड है वो चालू हो गया है, वो लास्ट डेट आपका रहेगा। लास्ट डेट आप यहाँ पे देख सकते हो 30 नवंबर। ओके गाइस, नॉट 30 नवंबर, देखो 30 अक्टूबर को आपका जो भी है, 30 अक्टूबर को आपका स्टार्ट हो गया है, मींस आज से ही सब कुछ स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट इसका सिर्फ रहने वाला है 13 नवंबर। ओके गाइस, 13 नवंबर मींस आपको सिर्फ 12 या 13 ही दिन मिल रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको फास्टली इसको अप्लाई करना है। जो भी इसमें अभी दे दिया है कि भाई आपका ग्रेड थ्री के लिए जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस रखा है यहाँ पे, टोटल 1000 इसकी फीस रहे, और एससी एसटी और यूपी के लिए तो इनको 800 फीस पे करना है। ओके गाइस, अगर आपका प्रिपरेशन अगर अच्छा हो, आपकी तैयारी अगर अच्छी हो, तो आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना चाहिए। ओके गाइस, एनकरेशन एप्लीकेशन डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड तो आपको जो भी यहाँ पे वेबसाइट दे दिया है। ओके गाइस, ये जो वेबसाइट है आपको इसको नोट करके रखना है, और ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको डेली सब कुछ चेक करना है, अपडेटिंग आपको मिलती रहेगी। सिलेक्शन मोड, ओके, जो भी एग्जामिनेशन मोड है आप चेक कर सकते हो भाई। ओएमआर टेस्ट आपका फर्स्ट होने वाला है, जो कि इसमें आपको भी बता दूँ भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, नो नेगेटिव। ओके गाइस, नो नेगेटिव, ये अच्छी बात है भाई, नो नेगेटिव है यहाँ पे। ओके गाइस, नो नेगेटिव। और जो सेकंड स्टेज है वहाँ पे आपका एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, और दूसरा स्टेनोग्राफी का टेस्ट रहने वाला है। ओके गाइस, इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। ओके, आप सिर्फ लास्ट तक, एंड तक आपको वीडियो कंटिन्यूली चेक करता ही रहना, देखना ही आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ओके गाइस, इसमें एजुकेशन के लिए भी हम थोड़ा चेक करेंगे भाई, इसमें एजुकेशन क्या चाहिए। ओके गाइस,
इसमें आप चेक कर सकते हो। देखो अभी हिंदी और दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए एक ही सैलरी आपके यहाँ पे दे दिया भाई, कितना 2800 इसका जो ग्रेड पे आपको मिल रहा है 2800, और इसमें आपको टोटल नहीं का ये सैलरी जो भी है ये 40 अराउंड आपको इन हैंड मिलने वाला है। ओके गाइस, इन हैंड कैलकुलेशन के बाद आपको ये 40,000 इन हैंड मिलने वाला है। इसमें प्लस माइनस भी आगे पीछे थोड़ा होगा, लेकिन 40 अराउंड तो आपको मिल ही जाएगा, 40 प्लस भी मिल जाएगा इधर। ओके गाइस, और इसमें स्पीड के बारे में भी आगे और कुछ जानेंगे। ओके गाइस, इसमें एजुकेशन क्या क्या है सारी चीज़ों और आगे जानेंगे, आपको सिर्फ एंड तक वीडियो देखना है। ओके, कंटिन्यूली आपको वीडियो देखना है, कोई भी पॉज नहीं करना है। देखो आप देख सकते हो, एक ग्रेड थ्री के लिए आपको हिंदी हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। गुजराती स्टेनोग्राफर के लिए अभी वैकेंसी नहीं आई है, वो भी आने वाली है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो, हम अगर इंग्लिश की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी दे दिया भाई, आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए स्टेनोग्राफर का, अगर ना हो तो चलेगा, तो फिर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड स्टेनोग्राफी विद अ स्पीड ऑफ 100 WPM इन शॉर्ट हैंड एंड 40 WPM इन टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलॉन्ग विथ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको एक तो डिप्लोमा चाहिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफी का, अगर होना हो तो आपके पास सर्टिफिकेट एज अ होना चाहिए। ओके, वो भी स्टेनोग्राफर का 100 की स्पीड वाला, और उसके साथ देखो विथ आपको क्या करना है, आपके पास CCC भी होना ही चाहिए। मैंने 10 बार आपको पहले भी 100 बार बोला है मैंने आपको कि भाई ये जो नाइलेट है, नाइलेट नाइलेट नाइलेट, यहाँ से ही आपको एक CCC की एग्ज़ाम आती है, वो आपको पास करना बहुत ज़रूरी है आजकल सारे गवर्नमेंट में, ये बहुत नेसेसरी पॉइंट हो गया है। ओके, तो वहाँ से भी आपको ये सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत नेसेसरी कर दिया है। ओके गाइस, और नेक्स्ट हम एज क्राइटेरिया, तो इसमें कम से कम देखो कम से कम तो 18 तो आपके पास तो जो है होना चाहिए, 18 होना चाहिए, और लास्ट में जनरल कैटेगरी के लिए दिए दिया है भाई 40 ईयर्स तक। ओके गाइस, तो 40 ईयर्स तक आप जनरल कैटेगरी में 40 ईयर्स के हो तो चलेगा। ओके, और अभी 5 देखो अभी इसमें कैसा दिया है भाई, द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 ईयर्स ओनली फॉर दी द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट मीन्स SC ST अदर बैकवर्ड क्लास। ओके गाइस, और पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है कि भाई OBC एंड डिपेंडिंग ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड नोटिफाइड इन रिलेशन ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी थोड़ा याद रखना, यहाँ पे जो भी 5 साल दे दिया है बराबर, तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स ये आपने मेंशन कर दिया भाई, आपको 40 साल तक जनरल कैटेगरी में चलेगा, और 5 ईयर्स अगर देखा जाए तो SC ST OBC के लिए मिल रहा है, तो 5 ईयर्स आप इसमें ऐड कर दीजिए, मतलब आपके पास 45 के भी अगर आपकी एज हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको इसमें कास्ट में आना पड़ेगा SC ST OBC में, तो अदरवाइज आपको 40 तक ही जो भी इसमें वैलिड किया गया है, आप जैसे ही फॉर्म करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर ही एक्सेप्ट नहीं करेगा आपका फॉर्म। ओके गाइस, और आगे की इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं, तो कंटिन्यूली आपको रहना है यहाँ पे, फिजिकली फिटनेस भी रहना है, मतलब इसमें कुछ रनिंग विनिंग है नहीं बराबर। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस हम चेक करेंगे कि भाई व्हाट इज़ योर सिलेबस। ओके गाइस, इसमें सिलेबस चेक करेंगे, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखो सबसे पहले आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जो 90 मिनट्स और 100 क्वेश्चंस की आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है, जिसमें सिलेबस हिंदी इंग्लिश जो भी उनका ग्रामर सेक्शन होता है वो पूछेंगे, जनरल स्टडीज़ आता है इसमें, करंट आ गया, मैथमेटिक्स नॉर्मली आ गया, तो 100 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है, जिसमें नेगेटिव नहीं है मीन्स नो नेगेटिव। ओके गाइस, और वो पास हो जाने के बाद ये फर्स्ट स्टेज हो गया, आपका सेकेंड स्टेज यहाँ पे रहने वाला है, आपको सेकेंड स्टेज में क्या करना है, ओनली टाइपिंग करना है, जिसमें 25 वर्ड पर मिनट तक आपको हिंदी में टाइपिंग करना है 25 की स्पीड पे, और 30 की स्पीड पे आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है ऑन कंप्यूटर। ओके ओके गाइस, और ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज, ये भी सेकंड स्टेज है आई थिंक, ये एक ही दिन वन डे सेम डे को आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा दोनों का। ओके, क्योंकि ये टाइपिंग बहुत ईजी होता है। ओके, तो ये क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको फाइनली जो स्टेनोग्राफी के स्केल के साथ है वहाँ पे आपको बुलाएंगे, तो आपको हिंदी में अथवा हिंदी में या फिर आपको इंग्लिश में स्टेनोग्राफी लिखना है, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक में आपको स्टेनोग्राफी लिखना है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो आपके पास 80 की स्पीड होनी चाहिए और टाइपिंग की 30 की स्पीड होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश की बात करें तो इसमें 100 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए
और 40 WPM की स्पीड आपकी टाइपिंग में होनी चाहिए, और इसमें आपका क्वालिफाई जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स आपका आना ही चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई हो जाओगे। ओके ओके गाइस, और इसमें सब कुछ दे दिया है भाई, देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन स्टेज वन रिटर्न एग्जामिनेशन। बराबर, जो फर्स्ट हमने एग्जाम देखा बराबर, तो उसमें अगर आपका नेगेटिव भी कुछ रॉन्ग भी हो गया आंसर तो उसका कोई मार्क्स नहीं कटने वाला है। ओके, ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। और यहाँ पे दे दिया भाई जो क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज वन जो भी रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। हिंदी और इंग्लिश में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, दोनों में से एक लैंग्वेज आएगी। ओके, तो क्वेश्चन शैल बी ऑन द अराइज रिलेटेड टू दी टू एंड ऑफ द लेवल ऑफ मेंशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड स्टेज सेकंड पार्ट ए और पार्ट बी शैल बी कंडक्ट ऑन द सेम डे। यस, ओके गाइस, मैंने आपको पहले ही बोला था पार्ट ए प्लस पार्ट बी, बोला था ना मैंने, कंप्यूटर और स्किल टेस्ट आपका सेम डे में रहने वाला है। ओके, सेम डे में आपकी एग्जाम रहने वाली है, सेम डे, एक ही दिन में आपका, क्योंकि बहुत इजी है इसलिए उन्होंने एक ही दिन में कंडक्ट करने का फैसला ले लिया है गाइस। तो आपको इस तरह प्रिपरेशन करना है, और आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आने वाला है, बराबर। ओके गाइस, और जो भी इसमें इम्पोर्टेंट हमें लगे हम उसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा सिलेबस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो भाई, रिटर्न एग्जामिनेशन है तो आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन रहने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। ओके गाइस, इसमें कोई टफ एग्जाम तो नहीं है। ओके, तो आप सारा पीडीएफ भी इसमें रीड कर सकते हो और टाइप ऑफ दी कंप्यूटर। ओके, आप कंप्यूटर में भी आप पढ़ सकते हो भाई, 250 वर्ड हिंदी में आने वाले हैं और 300 वर्ड तो आपको इसमें लिखना है, इंग्लिश में टाइपिंग करना है 10 मिनट के अंदर। ओके, और स्किल टेस्ट में आपको कितना रहेगा, स्किल टेस्ट ओनली आपका 5 मिनट का स्किल टेस्ट रहने वाला है, 5 मिनट का। ओके गाइस, ओनली 5 मिनट में आपका लाइफ बनने वाला है, जिसमें आपको 80 की स्पीड में मतलब हिंदी में आपको 400 वर्ड आने वाले हैं, जिसको आप 5 मिनट में शॉर्ट हैंड में लिखना है। ओके गाइस, और जब आप इंग्लिश में अगर स्टेनोग्राफी लिख रहे हो तो आपको 500 वर्ड आएंगे, और वो भी आपको लिखना है 5 मिनट में ही लिखना है। ओके गाइस, 5 मिनट में आपको लिखना है, और आपको 30 मिनट्स ये कंप्यूटर पे टाइपिंग के लिए मिल जाएंगे। ओके गाइस, तो इंटरव्यू देखो, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला है आपका, बराबर। इंटरव्यू शैल नॉट बी पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, आपका कोई भी इंटरव्यू सेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। ओके गाइस, इसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और फाइनली आपका हाथ में जो भी जॉइनिंग लेटर आ जाएगा। ओके गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे दे दिया भाई आपका एग्जामिनेशन किससे होने वाला है। ओके, और यहाँ पे 1 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने के लिए, और नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दे दिया गया है, नो मार्क विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अन आंसर एंड अन अटेम्प्ट। ओके, और आपने अगर कुछ अटेंड नहीं किया तो उसका भी कुछ माइनस प्लस तो नहीं होने वाला है। ओके गाइस, ये सबसे अच्छा है। हाँ, थोड़ी जो भी फीस है यहाँ पे थोड़ा फीस ज़्यादा ही रख दिया है इन लोगों ने। ओके, डोंट वरी, तभी भी आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ये जो वेबसाइट है यहाँ पे दे दिया, आपको यहाँ पे जाना है, वेबसाइट पे फॉर्म भरना है, और इसमें सब कुछ दे दिया है भाई, आपको कैसे फ़ी करना है, पेमेंट का कैसे करना, स्ट्रक्चर सारा यहाँ पे दे दिया है गाइस। ओके गाइस, तो आपको इसी तरह अप्लाई करना है और सब कुछ एक बार पढ़ लेना है। ओके, और स्टेनोग्राफर की आपको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करना है गाइस, और आपको जो भी इसमें है अभी इम्पोर्टेंट कोई हो तो हम उसको सर्च करेंगे। यस, एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़, या मीन्स अभी जो भी आपकी एग्ज़ाम होगी ना वो यूपी के अंदर ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही, जैसे कि गाज़ियाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, वाराणसी, ओके, आगरा हुआ, सारे यहाँ पे 37 यहाँ पे सिटीज़ दे रही है आपको, यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जाना पड़ेगा। ओके, तो अदर स्टेट के बच्चों थोड़ा सोच समझ के फॉर्म भरना, लेकिन अच्छा है, अगर आपको कुछ समझ नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिस हो तो आप एकदम फास्टली इसको अप्लाई करिए, क्योंकि जो पोस्ट है वो अच्छी रहने वाली है आपकी एज अ स्टेनोग्राफर। ओके, तो इसमें आप फीस भी फिर से देख सकते हो भाई, आपको इतना जनरल कैटेगरी के लिए इतना है और एससी एसटी के लिए इतना है। ओके गाइस, तो आप ख्याल रखिए, इतना आपको पे करना है, और इंटरनेट जो भी चार्ज है आप चार्ज भी एक बार पढ़ सकते हो। ओके, तो इसमें क्या क्या चार्ज है जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तब। ओके गाइस, और आपका जो भी क्वेश्चन आंसर हो आप कमेंट कर सकते हो। ओके गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।